नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के रामविलास शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, ये बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के रामविलास शर्मा का बयान, मुझे दो बार पार्टी संभालने का अनुभव है। रामविलास शर्मा का ये बड़ा बयान सामने आया, बीजेपी संगठन सही फैसला करेगी, ये कहा है रामविलास शर्मा ने। पूर्व सीएम हुड्डा के बयानों पर रामविलास का पलटवार, हुड्डा का कांटा तो जींद उपचुनाव में ही निकाल दिया गया था। तो ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रामविलास शर्मा ने दो मुख्य अहम बयान दिए हैं। पहला बयान उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के दिया, उन्होंने कहा कि मुझे दो बार पार्टी संभालने का अनुभव है। दूसरा, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। और इस पर हमारे डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी ने खास बातचीत की है रामविलास शर्मा से, देखिए। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा है बातचीत के लिए। सर, शुक्रिया आपका। और सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, चाइना और हमारा पूरा यूपी एक बड़ा एक अवरोध पैदा हुआ पड़ा है, क्या कहेंगे आप? देखिए सोलंकी जी, चाइना में नरेंद्र भाई मोदी जैसा बहादुर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के इतिहास बना दिया, जो वो लद्दाख में जाकर के बोले हैं। नरेंद्र भाई मोदी हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों से कहते हैं कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली बजानी है, अब थाली बजानी है, अब दीपक जलाना है। पूरा हिंदुस्तान 135 करोड़ हिंदुस्तानी अपने प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हैं। और एक बड़ी दुखद बात है, ओवैसी जैसा आदमी और वो नरेंद्र भाई मोदी की इस बात के लिए आलोचना करे कि ये इन्होंने कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले और सुदर्शन चक्र वाली बात क्यों कही, बड़ी निंदनीय बात है। ओवैसी को हिंदुस्तान में राजनीति करनी है, हैदराबाद से फिर चुनाव लड़ना है, तो मैं ओवैसी से कहूंगा कि वो हिंदुस्तान से माफी मांगे। हिंदुस्तान से माफी मांगे ओवैसी। रामविलास जी का कहना यह है कि, और ये जिस तरह से स्टेट में बात चल रही है कि 75% हरियाणवियों को रोजगार दिया जाए, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? ये कैबिनेट का जो फैसला है, अब कैबिनेट के फैसले के बारे में, क्योंकि मैं कैबिनेट में नहीं हूं तो उसके ऊपर टिप्पणी करना नहीं, क्योंकि सरकार बीजेपी आपकी बीजेपी सरकार का फैसला है, तो किस तरह से देखते हैं क्या इस पे? देखिए, ये कैबिनेट का जो फैसला है, अब कैबिनेट के फैसले के बारे में, क्योंकि मैं कैबिनेट में नहीं हूं तो उसके ऊपर टिप्पणी करना नहीं, क्योंकि सरकार बीजेपी आपकी बीजेपी सरकार का फैसला है, तो किस तरह से देखते हैं क्या इस पे? देखिए सोलंकी भाई, हर प्रांत की सरकार अपने प्रांत के लोगों की अधिकारों की रक्षा सुरक्षा करती है। और हरियाणा के जब आदमी सेना में, पूरे हिंदुस्तान की आबादी का 2% आबादी हमारी हरियाणा की है, पर मंत्रिमंडल में इस बात पर चर्चा हुई होगी कि भाई जो टेक्निकल आदमी है, जो इंजीनियरिंग स्टाफ है, जो टेक्निकल आदमी है, जो इंजीनियरिंग लाइन के आदमी है, वो इंडस्ट्री वाले अपने हिसाब से अपनी सुविधा को देखते हुए, परंतु जो लेबर है, जो क्लास फोर है, वो हरियाणा के हों। मेरा मतलब ये है कि मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसा कोई निर्णय हुआ होगा जी। और बात करें जिस तरह से लगातार बड़ौदा चुनाव की बात होने लगी है, ये उपचुनाव एक सरकार के लिए साख का प्रश्न बन गया है। हुड्डा साहब कहते हैं मुख्यमंत्री लड़ रहे, यही फैसला हो जाएगा आगे तो जाने की। देखिए, हुड्डा जी का कांडा हमने जींद के उपचुनाव में काट दिया था, सोलंकी जी आपके टेलीविजन ने सबसे ज्यादा दिखाया और सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। इस बड़ौदा चुनाव में भी कई कांडे हम काट देंगे। किस किस का काट देंगे?
अब देखना जो जो कांडे हैं वो सब काट देंगे बड़ौदा चुनाव। तो आप कहते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से जीतेगी वहाँ? हाँ, न्यू जीतेगी बीजेपी। बीजेपी इसलिए जीतेगी कि बीजेपी की सरकार अच्छा काम कर रही है, बीजेपी के पास नरेंद्र भाई मोदी जैसा यशस्वी बहादुर प्रधानमंत्री है, हरियाणा में 11% सैनिक है और इस समय हिंदुस्तान और हरियाणा का सबसे लोकप्रिय नेता। सवाल आपसे, बीजेपी को अपना प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं, हरियाणा में क्यों नहीं मिल रहा, हरियाणा प्रदेश ये केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय बहुत जल्दी होने वाला है। जी का नाम चला, अब उस पर भी ऐसे लग रहा है जैसे नहीं नहीं। देखिए सुंदर सोलंकी, आप हमको देख रहे हैं, आप राजनीतिक बहुत सूझबूझ वाले आदमी हैं, कोई कठिनाई केंद्रीय नेतृत्व के पास नहीं है हरियाणा में। मैं बिल्कुल बीजेपी का अध्यक्ष रह चुका हूँ 90 से लेकर डॉक्टर मंगल सेन जी का शरीर शांत होने के बाद मैं 93 तक अध्यक्ष रहा और 91 में मैंने 90 की 90 विधानसभा सीटें एक महम को छोड़ के, महम हमने 24 के लिए छोड़ी और 24 के उम्मीदवार का हमने समर्थन किया, 89 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मेरी अध्यक्षता में चुनाव लड़ी और तो इस बार में तैयार है। फिर 2013 में मुझे पार्टी ने अध्यक्ष बनाया और 14 में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनकर के आई, मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री हुए और इस समय केंद्रीय नेतृत्व के सामने सारी बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं जिस पर भी संगठन जिम्मेदारी डालेगा वो जिम्मेदारी में कामयाब होगा। आप भी पूरी तरह से तैयार हैं? ये हमारे अनुभव है पूरा। नहीं, वो सोलंकी जी, मेरा तैयार होना मेरा नहीं तैयार होना ये मतलब नहीं है। मैं ये बात बड़ी आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ वो है, और जो भी केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा वो सही निर्णय लेगा। सही निर्णय लेगा केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रदेश का अध्यक्ष कौन हो, और रामलाल जी भी पूरा अनुभव रखते हैं, उनका कहना ये है। इसके अलावा बड़ी बात उन्होंने कही है कि जिस तरह से बड़ौदा चुनाव बीजेपी की निश्चित रूप से जीत होगी और साथ ही ओवैसी को एक बड़ा चैलेंज दिया है, उसे देश से माफी मांगनी। इस बीच हम रुक कर रहे हैं एक और बड़ी और अहम खबर की ओर। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर निशाना सामने आया है, 6 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया है, यह बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुझे इससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी संगठन सही फैसला करेगा, रामविलास शर्मा ने यह कहा है, आपने सुना भी अभी, और पूर्व सीएम हुड्डा के बयानों पर रामविलास शर्मा का पलटवार भी सामने आया और इसी के साथ हुड्डा का कांटा तो जींद उपचुनाव में ही निकाल दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी कितनी तैयार है और किस तरह से जिस तरह से हुड्डा आश्वस्त दिख रहे हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया रामविलास शर्मा के सामने आई वो भी आपने सुना। एक और बड़ी खबर की ओर हम सीधा रुख कर रहे हैं जहां पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर निशाना, 6 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया है ये हुड्डा ने कहा, हमने 5 सालों में जो किया है वो जनता के सामने है, 6 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, हमने 5 सी से मुकाबला करना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है। कोरोना, क्राइम, चाइना, कस्टिज्म और करप्शन, ये 5 सी उन्होंने बताए हैं। किसान मंडियों में परेशान हुआ है ये भी कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। 5 सी का मैंने जिक्र किया था जो हमारे को आज इनका मुकाबला करना है, एक तो चाइना, कोरोना और हरियाणा में करप्शन, क्राइम और कास्टिज्म, ये बड़ी तेजी से फैली हुई है। अगर कोरोना से मुकाबला करना है तो सबको संगठित होना पड़ेगा, हम सबको, ये पक्ष है चाहे विपक्ष है, और आम आदमी को भी तो मुकाबला कर पाओगे।
इसी के साथ बड़ौदा उपचुनाव पर भी बोले हैं नेता, विपक्ष पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, ये कहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और बड़ौदा चुनाव में जीत कांग्रेस की ही होगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधायकों की ड्यूटी भी लगा दी गई है अभी से, और बड़ौदा चुनाव में जीत कांग्रेस की ही होगी, कांग्रेस विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है। लगातार बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो रही हैं, राजनीतिक सरगर्मियां दिख रही हैं। इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मैं गया था गोहाना और सोनीपत, तो वहां से फीडबैक है, लोग मन बना चुके हैं, भारी बहुमत से हमारा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार विजयी होगा। और क्यों ये, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी गए थे वहाँ दो दिन पहले गांव में, और उन्होंने कहा कि अगर साझेदारी में शामिल होना है तो हमारे गठबंधन को वोट दो, नहीं तो दूर रहो, ये आपके अखबारों में मैंने पढ़ा। क्या संवैधानिक पद पर है वो, ये उनकी प्रतिष्ठा की नहीं है कि वे ऐसी बात कहें। कोई भी मुख्यमंत्री हो वो पूरे प्रदेश का होता है, ये नहीं है भाई तो वोट दोगे तो मैं तुम्हारा मुख्यमंत्री, नहीं दोगे तो तुम्हारा हमारी कोई साझेदारी, ये ठीक नहीं थी। उस बात पर मैंने कहा था कि वहाँ के लोग जो हैं स्वाभिमानी हैं, हरियाणा के सारे और खासतौर पर वहाँ के, वो इस सरकार की जो है भ्रष्टाचार में साझेदारी नहीं होने चाहते, अपराध में, अपराध जो बड़ा हुआ उसमें साझेदारी नहीं करना चाहते, कानून व्यवस्था की धज्जियां उठी है और बेरोजगारी, जितनी बेरोजगारी इस इनके समय में आई है ऐसी में साझेदारी चाहते ही नहीं हो, उन्हें तो फैसला कर रखा है तो इसमें कौन साझेदारी चाहेगा। क्योंकि अब तक की परफॉर्मेंस, छः साल की जो परफॉर्मेंस रही है, कोई भी ऐसा फैसला नहीं किसी वर्ग के हित में लिया गया जो हम कह सकें जिसकी प्रशंसा कर सके, जिसको हम बढ़ा सकें। आप देखें आज भी आया अखबार में एक नया ही घोटाला आ गया चावल का, घोटाले पे घोटाला, माइनिंग घोटाले शुरू हो गए, माइनिंग घोटाले के बाद मीटर घोटाले के बाद धान के घोटाले के बाद शराब के घोटाले के बाद आपका उससे पहले दवाई का घोटाला, और उसके बाद शराब घोटाले के बाद धान का घोटाला आ गया। मेरा सिर्फ कहने का ये था कि आज पूरा देश और हमारा प्रदेश तो बहुत ही ज्यादा संकट से गुजर रहा है। तो 5C हम आपको बता रहे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज बताए हैं, कोरोना, चाइना, क्राइम, करप्शन, और इसी के साथ पांचवा सी जो उन्होंने बताया वो है कास्टिज्म। इन 5C से लड़ना है, ये कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। ये 5C हम आपको दिखा रहे हैं जिसको लेकर के आज मुख्य तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चर्चा की है। यहां हम रुक करें एक और बड़ी और अहम खबर की ओर। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान सामने आया है, गठबंधन सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार बनी है, गठबंधन सरकार बनी है कर्मचारी विरोधी संघ, ये कहा है रणदीप सुरजेवाला ने। जनता पर आर्थिक मंदी और आय की तंगी की मार इस वक्त पड़ रही है, मरहम की बजाय जले पर नमक छिड़क रही है सरकार, कर्मचारियों पेंशनरों को करोड़ों रुपयों का चूना भी लगाया जा रहा है सरकार की ओर से, ये कहा रणदीप सुरजेवाला ने। राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का यह बयान भी सामने आया, बेहद अहम ये बयान उनका सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर गठबंधन सरकार पर निशाना साधा और ये कह दिया कि कर्मचारी विरोधी संघ है ये सरकार, जनता पर आर्थिक मंदी और आय की तंगी इस वक्त पड़ रही है जिसकी जिम्मेदार मौजूदा सरकार है, मरहम की बजाय जले पर नमक छिड़क रही है सरकार। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, यह भी जानते हैं कि प्रदेश में इस वक्त
क्या हाल है कोरोना का? हरियाणा में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, अभी तक 270 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और प्रदेश में ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन दोगुना होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज 270 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में 17,770 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। 13,400 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में अभी 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तो ये हम आपको कोरोना से जुड़ी अपडेट पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के लिए अब तक 276 लोगों की मौत भी हो चुकी है। गुरुग्राम में आज 75 नए कोरोना केस आए हैं। सोनीपत में 29 नए लोगों में पुष्टि हुई है कोरोना की, और रोहतक में 12, पलवल में 15 और भिवानी में 16 नए केस सामने आए हैं। हिसार में 10, महेंद्रगढ़ में 13, झज्जर में 23 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच एक बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा दें। कोरोना के बढ़ते मामले फरीदाबाद के लिए बड़ी चिंता की वजह बने हुए हैं। फरीदाबाद में 1600 कोरोना वायरस मरीज ऐसे हैं जो सरेआम बाजार में, ऑफिसों में और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास उनकी कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। दरअसल ये वही मरीज हैं जिन्होंने अपना टेस्ट सरकारी और निजी लैब पर कराया, लेकिन टेस्ट कराते समय जो सूचना स्वास्थ्य विभाग या लैब को इन्होंने मुहैया कराई है वो सूचना पूरी तरह से गलत थी, जिसके बाद अब इनका पता लगाया जा रहा है, मोबाइल नंबर से इन्हें ट्रेस किया जा रहा है। क्योंकि इस पूरी घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन हड़कंप में जरूर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग अब मरीजों की तलाश कर रहा है। ये अहम प्राथमिकता अब स्वास्थ्य विभाग के लिए है, क्योंकि एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है प्रदेश के लिए। फरीदाबाद से ये चौंकाने वाली खबर अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है और चिंता को बढ़ाने वाली खबर है। 1600 कोरोना मरीजों की डिटेल विभाग के पास है ही नहीं। इस बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरह से अब स्वास्थ्य विभाग इनको ट्रेस करेगा, कहाँ से ढूंढ करके लाएगा। बाद में ये जो पहले इन 1600 मरीजों ने टेस्ट कराया, बाद में जो रिपोर्ट आई उसमें ये निकल कर के सामने आए कि वो रिपोर्ट गलत थी। करनाल में रिहायशी इलाकों से डेयरी शिफ्ट करने की कवायद तेज कर दी गई है। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए रिहायशी इलाकों में 4 डेयरी को बंद करके उनके पशु अपने कब्जों में ले लिए हैं। वहीं एक पशु को छुड़ाने के लिए 5,000 भीड़ लगाया गया है। नगर निगम कमिश्नर से बात की है हमारे संवाददाता केसी आर्य ने। आज डेयरी शिफ्टिंग के मामले को लेकर जो है नगर निगम की जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और 7 डेयरियों को आज सील कर दिया गया है। और हमारे साथ है नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर, उनसे जानते हैं कि ये मामला क्या है और पूरी बात क्या है। जी, क्यों किए जा रहे हैं? जैसे कि आपके संज्ञान में ही है कि ये जो डेयरी शिफ्टिंग का जो मामला है ये पिछले 15-16 साल से पेंडिंग चला आ रहा था। करनाल सिटी से पिंगली गांव में 188 प्लॉट डेयरी ओनर्स के लिए हमने काटे और उसके बाद 4-5 महीने पहले हमने उसकी ड्रा द अलॉटमेंट का प्रोसीजर शुरू किया। तकरीबन 230 के करीब डेयरियां करनाल सिटी में ऑपरेशनल है, उसमें कुछ फिगर 5-7-10 आगे पीछे भी कुछ बंद होगी, कुछ नई भी खुली इस तरीके नाल है। उसमें से हमारे पास सिर्फ 79 लोगों ने आवेदन दिया किया और 79 को हमने प्लाट अलाट कर दिए, जिसमें से 54 ने हमारे पास पैसे डिपॉजिट कराए और 54 ने पैसे डिपॉजिट कराने के बाद हमने उनको टाइम दे दिया आप वहां शिफ्ट कर जाओ। उनके खिलाफ 54 के हम कोई एक्शन नहीं ले रहे। 25 ऐसे हैं जिन्होंने कोई हमें आगे अर्नेस्ट मनी जो 20% था वो नहीं जमा कराया। 150 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना आवेदन दिया ना कोई पैसे जमा कराए और बार बार उनको नोटिस देने के बावजूद आप प्रेस नोट भी दे दिए कि आप जादू डायरी को बंद कीजिए, जा पिंगली गांव में शिफ्ट कीजिए। उन्होंने दोनों कार्रवाई नहीं करी तो मजबूरन अब नगर निगम को अपना जो एक्शन है फील्ड में करना पड़ा। आज कितनी डायरियां सील की गई? जी, अब तक तो 7 हम कर चुके हैं एक्शन डायरियों के ऊपर और शाम तक करेंगे जितनी होंगी और इस प्रोसीजर को कंटिन्यू चलाएंगे जब तक हमारा फाइनल लास्ट डायरी तक करनाल सिटी में काम। जो पशु आपने जब्त किए हैं उनके लिए क्या किया जाएगा और कितना जुर्माना है? जो पशु हमने जब्त किए हैं वो पशु के लिए एक पशु के लिए 5,000 रुपए जुर्माना है और डेयरी ओनर अपना प्रेम नगर में जाकर अपना 5,000 रुपए प्रति पशु के जुर्माना भर के हमारे सीनियर अकाउंट्स अफसर की ड्यूटी लगाई हुई है, उनके पास रिसीट बुक्स पड़ी है
और अपना जुर्माना अपने पशु को खिला सकते हैं, लेकिन हम उसको पशु को उस डेयरी में नहीं आने देंगे, अब वो और कहीं और ले जाएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने लगभग 130 डेयरी संचालकों ने उनके पास कोई भी जो है 20% की जो मनी जमा नहीं कराई है, और उन्होंने अभी तक जो है किसी प्रकार की डेयरी शिफ्टिंग का जो नोटिस दिया उनको इग्नोर करते रहे हैं। इसी को लेकर आज जो है ये इस एरिया में डेयरी शिफ्टिंग को लेकर इनके डेयरियों को सील किया जा रहा है, ताकि स्मार्ट सिटी जो करनाल बनाया जा रहा उसमें ये डेयरी जो संचालक है कहीं ना कहीं गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, और उनको दूर करने के लिए ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। करनाल से केसीआर इंडिया न्यूज। प्रदेश में लगातार पीटीआई शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल मंत्रिमंडल की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हटाए गए 1983 पीटीआई अध्यापकों को लेकर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया, जिसको लेकर के पीटीआई अध्यापकों में रोष है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैथल, भिवानी, सिरसा, क्योंकि 23 दिन से ये पीटीआई शिक्षक विरोध कर रहे हैं। उस बीच ये आशा करते हैं कि सरकार इनकी तस्दीक करे, इनकी सहायता करे। साल 2010 में लगे 1983 शारीरिक शिक्षकों ने अपनी बहाली की मांग को लेकर के लगातार धरना दिया है, और कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की, सरकार के खिलाफ रोष भी प्रकट किया। हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा की रिपोर्ट देखिए। आज सुबह 7 बजे से नारेबाजी इसी तरह से जारी है, और न केवल आज सुबह 7 बजे से बल्कि लगातार पिछले 23 दिन से इसी तरह से ये तमाम लोग नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन की वजह कोई और नहीं बल्कि इनको हटाया जाना है। जी हाँ, ये वो पीटीआई है 1983 पीटीआई जिनको सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का, आदेशों का हवाला देकर पदमुक्त कर दिया गया था, और इसके बाद से कहीं ना कहीं लगातार ये लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। लगातार चाहे पुतले फूंकने की बात करें, हुक्मरानों के आवासों के घेराव की बात करें, विधायकों को ज्ञापन पत्र दिए जाने की बात करें, यानी हर प्लेटफॉर्म पर ये लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर चुके हैं। और अभी बताना चाहूँगा कि खाप पंचायतों की चाहे बात करें या फिर सरपंचों की, पंचों की बात करें, यानी ग्रामीण तबके के जितने भी लोग हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं, उन तमाम लोगों का इनको समर्थन भी हासिल है जिस तरह के दावे इनके द्वारा किए जा रहे हैं। बहरहाल ये लोग क्योंकि लगातार 23 दिन से इसी तरह से धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं, ऐसे में अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर कहा है कि एक कलम से इनको बहाल किया जाएगा, कांग्रेस की सरकार आने पर इनको बहाल किया जाएगा, भले ही चुनावी सिगुफा हो। लेकिन इस बीच अभय सिंह चौटाला भी आगे आए हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा ने जब उनसे पूछा था कि क्या स्टैंड है इन पीटीआईज को लेकर, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो इन पीटीआईज के साथ हैं, इनको बहाल किया जाना चाहिए, 10 साल की सेवा का इनको लाभ भी मिलना चाहिए। बहरहाल लगातार इनका धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी है, हाथों में बैनर, पूरी तरह से आप देख पाएंगे भीषण गर्मी। अल सुबह 7 बजे से ये धरना प्रदर्शन शुरू होता है 24 घंटे इसी तरह से, और जिन अध्यापकों के, अध्यापक आ जाएगा, ये पीटीआई शिक्षक हैं, भले ही कोर्ट के निर्देशों के बाद इनको पदमुक्त किया गया हो, आज ये जो लोग माला डाले हुए हैं ठीक इसी तरह से माला डालकर अनशन पर बैठते हैं, और आज भी वही दौर शुरू है। तो ये लोग मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे आखिर किस तरह से आने वाले दिनों में इनकी स्ट्रेटजी रहने वाली है। सर, मैं आपसे बात करूंगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र है जी, 1983 पीटीआई हरियाणा। धर्मेंद्र जी, अभी क्योंकि सियासत शुरू हो चुकी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब साफ तौर पर कह चुके हैं कि बहाल किया जाएगा एक कलम से कानून बनाकर, सरकार भी कानून लाए, कल 42 मामलों पर सहमति बनी थी, 42 मुद्दे थे, लेकिन पीटीआई का मुद्दा उसमें नहीं था, ऐसे में बहरहाल आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस भावना की का सम्मान करते हैं, लेकिन हम नौकरी, हमारी हम अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आज हमारा 23वें दिन का जो कर्मी कंसन चल रहा है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की जो इस भावना की हम मान सम्मान करते हैं। बहरहाल क्या रणनीति रहेगी आप? हमारी रणनीति ये है, जब तक हमारे को नौकरी पर ना लिया जाएगा तो हम आगे की रणनीति के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। किस तरह का कदम? जैसे कि हम अपनी खाप पंचायतों का हमें सहयोग मिल रहा है, हमारे सर्व संगठन का सहयोग मिल रहा है, जैसे वो रणनीति बताएंगे हम रणनीति को फॉलो करेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। लगातार राजस्थानी आंदोलन की भी बात कही गई है, उसके अलावा बड़ौदा उपचुनाव भी आएगा, तब तक ये भी कहा गया है कि चुनाव में सरकार का बहिष्कार, क्या सरकार की तरफ से कोई किसी तरह की कोई पहल की गई हो अभी तक? ऐसा है, सरकार अगर
अगर हमारे को वापिस नौकरी पर लेती है तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, अगर सरकार हमारे को नहीं लेती है तो बरोदा चुनाव के अंदर हम कहीं तक भी कोई भी फैसला ले सकते हैं, ये कोई वो नहीं है, हम कोई फैसला ले सकते हैं, कैसा है भी कठोर अपना निर्णय ले सकते हैं। कठोर निर्णय की बात कही गई है, धर्मेंद्र सिंह प्रधान है हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के, और लगातार जो दूसरे तमाम लोग, सर मैं आपसे बात करूंगा, हमने देखा यहाँ पर नारे। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल, और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए पॉलिसी बाजार।